सर। इसके अंदर को कैपेसिटी प्लानर ग्रुप आ रहा है, जी सर। तो आपने जो जो कैपेसिटी प्लानर जिस इस वर्क सेंटर को लगाया होगा ना, उसकी बेस पे फिर आप यहाँ पे कैपेसिटी चेक कर सकते हो कि ये इस प्लानर के ऊपर कितने कितनी कैपेसिटी चल रही है। सर ये तो हमने कहीं लगाया ही नहीं, हमने बस एक दफा बनाया था। यार CR02 देखो, ये क्या आ रहा है? सर एक मिनट में अपना भी चेक करता हूँ। अब्दुल आबर ले लो, चलो अरे आप लड़ाई नहीं करते, हाँ ला स्क्रीन शेयर कर लो। मिनट सर। जी सर आ रहा है 0000। सर आवाज आ रही है? जी आ रही है। जी सर आ रहा है। सर ये ग्रुप हमने बनाया था, लेकिन अगर ये यहाँ पे ना दें यार तो क्या ये होगा? सिर्फ रिपोर्टिंग पर्पस के लिए यूज होना है कि ये ग्रुप फिर हम जिस जिस वर्क सेंटर को लगाएंगे ना, ये जी देखो सर। ये इस वर्क सेंटर को लगा, और फिर जब इस वर्क सेंटर के ऊपर कोई भी कैपेसिटी प्लान होगी तो आप फिर इसकी देख सकते हो कि इस कैपेसिटी प्लानर के पास कितनी कैपेसिटी चल रही है। ठीक है, ये रिपोर्ट है CM50, यहाँ पे आप दोगे कैपेसिटी प्लानर, इसको एग्जीक्यूट कर दो। ये वही है, रिपोर्ट वही है, सिर्फ ये कि अब आप यहाँ पे वर्क सेंटर नहीं दोगे। आप सिर्फ कैपेसिटी प्लानर दो। इस कैपेसिटी प्लानर पे जितने जितने वर्क सेंटर देखो, AS70 लगा, ASY CD70 लगा, ठीक है, और इसके अलावा जो जो वर्क सेंटर इसके ऊपर लगा वो सारे इसमें आ जाएंगे। देखो Packer 1 लगा हुआ इसके ऊपर, ठीक है, सही है सर। अब ये देखो सबसे ऊपर आ रहा है कैपेसिटी प्लानर, ये आ रहा है कैपेसिटी कैटेगरी ये है, और प्लानर हमने स्टार्ट में दे दिया जब हमने रन किया। तो ये सिर्फ इसका यही फायदा है कि जो कैपेसिटी प्लानर होगा रिपोर्टिंग पर्पस के लिए सिर्फ यूज होगा कि कल को अगर हमने रिपोर्ट देखनी है कि एक कैपेसिटी प्लानर के पास कितनी मशीनें यूज हो रही हैं और उनकी क्या स्टेटस है, कितनी ओवरलोड है, कितनी अंडरलोड है, तो वो कैपेसिटी प्लानर के थ्रू आपको डाटा मिल जाएगा। ये एक रिपोर्टिंग पर्पस के लिए यूज होता है। सर ये हमने जब MRP रन की थी सेल ऑर्डर के लेवल पे, तो हाँ जी उसमें आपको याद होगा हमने MB1C से स्टॉक पुट किया था रॉ मटेरियल हाँ का। जी जी तो सर उसके आगे अगर परचेज रेक्विजिशन आ रहा हो तो फिर PR कैसे करेंगे? परचेज एक्विजिशन जो और होता है फिर उसका लगता है परचेज ऑर्डर, और परचेज ऑर्डर से आगे स्टॉक जो है वो परचेज हो जाता है। मैं वही बता देता हूँ, आज वही बता देता हूँ फिर आपको, ठीक है। सर ये PR और परचेज ऑर्डर एक ही चीज होती है या ये नहीं, कन्वर्ट होता PR होती है परचेज रिक्वेस्ट, अभी रिक्वेस्ट होती है, तो परचेज ऑर्डर जो है ना वो वेंडर के साथ आगे कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, जी हमने वेंडर से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, वो माल अब हमारा आने वाला है।
तो सर ये पी परचेज ऑर्डर से पहले पीआर जनरेट करना लाजमी होता है। परचेज ऑर्डर डायरेक्ट भी लग जाता है, परचेज ऑर्डर आपका पीआर के रेफरेंस से भी लग जाता है, परचेज ऑर्डर आपका कोटेशन के रेफरेंस से भी लग जाता है। मल्टीपल सिनेरियोज हैं परचेज ऑर्डर को लगाने के लिए। सर ये थोड़ा सा यही करा दें आज फिर। कोई एमआरपी चलाइए, कोई पढ़िए पीआर कोई। नहीं सर, वो जो एक लो चलाई थी उसका तो मैंने स्टॉक ले लिया। पीआर की रिपोर्ट है ME5A। यहाँ पे मैं प्लांट दे रहा हूँ कि इस प्लांट के ऊपर जितने भी पीआर है ना वो सिस्टम दिखा दे, ठीक है। एग्जीक्यूट जी सर। किया, इस प्लांट के ऊपर इतनी पीआर आ रही हैं, ये सारी पीआर पड़ी हैं। ये डिफरेंट परचेज एक्विजिशन आ रही है जिसके साथ ई आ रहा है ना, ई का मतलब है ये किसी ना किसी सेल ऑर्डर के रेफरेंस से बनी है, जो ई के बगैर है वो मैनुअल बनी है, ठीक है। सही है सर। इसके ऊपर डबल क्लिक करता हूँ मैं और ये मटेरियल के ऊपर ले जाएगा, लेकिन मैं पीआर देखनी, मैंने तो पीआर देखने के लिए मैं क्वांटिटी के ऊपर डबल क्लिक करता हूँ। ये क्वांटिटी सर लेकिन ये जो बोलो क्या कह रहे हो। ये सर ये जो है ना नीचे सलेट न्यू लेटराइट न्यू, ये सेल ऑर्डर क्या क्रॉस बनी थी? लेकिन मैंने तो इनको स्टॉक मतलब MB1C से स्टॉक ले लिया, PR रेज नहीं की। देखो स्टॉक ले लिया था, लेकिन स्टॉक लेने के बाद आपने मटेरियल के एमआरपी के क्या व्यूज लगाए और एमआरपी चलाई थी? आपने PDEX और इंडिविजुअल पे चलाया था, और इंडिविजुअल के ऊपर सिस्टम ऐसा नहीं करता जो पहला स्टॉक पड़ा है वो रिजर्व कर देगा। सिस्टम ने उसकी इंडिपेंडेंट रिक्वायरमेंट बनानी है, डिपेंडेंट रिक्वायरमेंट बनानी है हर सेल ऑर्डर के अगेंस्ट। अगर पहले से स्टॉक को कंज्यूम करवाना है तो आपको उसकी एमआरपी के क्राइटेरिया थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। तब MRP का क्राइटेरिया क्या होगा सर उसके लिए? अगर आपके पास आप डिफरेंट इंडस्ट्री के डिफरेंट सिनेरियोज होते हैं, कुछ इंडस्ट्रीज के पास स्टॉक पहले से पड़ा होता है और वो क्या कहते हैं जी सिर्फ, तो वो पीआर नहीं जनरेट करवाते, वो सिर्फ उसकी रिजर्वेशन जनरेट करवाते हैं, ठीक है। तो जी आप सर। उसकी रिजर्वेशन क्रिएट करवाने के लिए आप उसका जो MRP 4 के अंदर कलेक्टिव और इंडिविजुअल का जो चेक है उस कलेक्टिव उसको कर दो कलेक्टिव, तो सिस्टम उसकी पीआर जनरेट नहीं करेगा, सही है सर। ठीक है। तो अब देख लेते हैं जिसको, और पीडी पीडी के साथ पीडी को एनडी कर दोगे फिर भी पीआर जनरेट नहीं होगी, पीडी करोगे तो पीडी पे तो पीआर जनरेट होनी होनी है। हाँ PD कर देंगे तो PR जनरेट होगी सर। जी, उसको एनडी कर दो, एनडी करने के बाद सिस्टम क्या करेगा एमआरपी में उसका इफेक्ट नहीं लेगा, उसको उसकी पीआर जनरेट नहीं करेगा। सर वो ND अगर हम कर देंगे तो वो जो कवरेज नॉट प्रोवाइडेड का जो एरर आएगा वो कवरेज नॉट प्रोवाइडेड का मतलब है अगर आपके पास स्टॉक नहीं होगा ना तो फिर वो कवरेज में नॉट प्रोवाइडेड कर देगा, अगर स्टॉक पड़ा हुआ तो फिर एरर नहीं देगा। अब देखो ना, हमने पीआर भी जनरेट नहीं की, स्टॉक भी नहीं है, तो उसने तो कवरेज कब देना ना कि मेरे पास कोई मुझे कोई पता नहीं चल रहा कि स्टॉक कहाँ से आना है। सही है सर।
अपना मैं पीआर दिखा रहा हूँ तुम्हें। जी सर। इस लोग यार सिलेक्टर नंबर याद है कोई? सेल ऑर्डर नंबर देख लेते हैं सर लिस्ट में से। रन रहने दो, मिल गया मुझे वैसे ये ना पीआर नंबर मिल गया यहाँ से। जी रहने सर। दो, पीआर नंबर मिल गया ठीक है। ये पीआर लगी हुई है डिफरेंट ठीक है, तो इस पीआर के ऊपर डबल क्लिक करता हूँ मैं। इसके अंदर अकाउंट असाइनमेंट देख लेते हैं, ये वाला सेल ऑर्डर है। अकाउंट साइड नहीं, देखो सेल ऑर्डर नंबर आ रहा है ठीक है। अब सही है सर। इस मटेरियल को कॉपी कर रहा हूँ मैं और एक नया सेशन खोल रहा हूँ। MD4C के अंदर ये सील ऑर्डर खोल लेता हूँ ताकि वो हमारी रिपोर्ट भी ज्यादा नजर आती रहे। एग्जीक्यूट किया, अब तो ये देखो ये क्या पीआर नंबर आ रही है वाला। जी सर। इस पीआर को अब मैं इस पीआर नंबर की बेस पे लगाता हूँ परचेज ऑर्डर। परचेज ऑर्डर लगाने का क्या तरीका है उसका है जी टी कोड ME21N। ये वैसे सारा प्रोसेस P2P साइकिल है MM का, मटेरियल मैनेजमेंट मॉड्यूल जो है ना MM का उसके अंदर आता है सारा PR परचेज ऑर्डर ये वो सारा। तो ME21N के अंदर क्रिएट परचेज ऑर्डर, ये डॉक्यूमेंट ओवरव्यू ऑन कर रहा हूँ मैं। ये ले रहा हूँ जी वेरिएंट, इसके अंदर आ रहा है जी विद रेफरेंस टू परचेज रेक्विजिशन, ये क्लिक कर रहा हूँ मैं। और परचेज पीआर नंबर जो है वो दे देता हूँ इसको। अच्छा ये खत्म कर देता हूँ एग्जीक्यूट। ये पीआर नंबर आ गई, इस पीआर नंबर को करेंगे यहाँ पे अडॉप्ट। और परचेज एक्विजिशन परचेज ऑर्गेनाइजेशन 4001। अब इसके लिए वेंडर का होना लाजमी है कि किस वेंडर से माल लेना है परचेज ऑर्डर लगाने के लिए, वेंडर का होना लाजमी है। तो मेरे ख्याल में वेंडर हमने खोला है कोई, नहीं सर, मतलब वेंडर मतलब किस बंदे से खरीद रहे हैं सर? जिस बंदे से खरीद रहे हैं उस बंदे वो वेंडर। ये वेंडर MM का मास्टर डाटा है जो MM मटेरियल मैनेजमेंट का मॉड्यूल है, ये MM का मास्टर डाटा है वेंडर मास्टर, और ये प्रोक्योर टू पे साइकिल और मटेरियल मैनेजमेंट। एक वेंडर खोला तो मैं जा, आप पता नहीं वेंडर क्या करता है ये मुझे। ये देखो वेंडर
ये वेंडर की भी थोड़ी सी इसकी करनी पड़ेगी थोड़ी सी ना कॉन्फ़िगरेशन, थोड़ा सा टाइम दो फिर इसको मैं इसको करके ना एमएम की कॉन्फ़िगरेशन, तो ये वेंडर वाला प्रोसेस आपको परचेज ऑर्डर पे कर देता हूँ। अब परचेज ऑर्डर में हो क्या रहा है, परचेज ऑर्डर में ये देखो ये हो रहा है ये मटेरियल कौन सा है और उसका नाम क्या है, क्वांटिटी कितनी है, किस डेट को डिलीवरी डेट चाहिए, यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या, उसका प्लांट कौन सा है, और अकाउंट असाइनमेंट के अंदर देखोगे तो ये बता देगा कि ये कौन से परचेज ऑर्डर के अगेंस्ट आना है, नीचे परचेज ऑर्डर के अगेंस्ट किसके आना है वो भी आपको बता रहा है। सर ये भी फिर प्रोडक्शन ऑर्डर की तरह रिलीज करना पड़ता है। ये रिलीज इसके पे रिलीज स्ट्रेटजी जो है ना अपने जो रिलीज स्ट्रेटजी है ना ये लगती है एमएम में, लेकिन ये रिलीज स्ट्रेटजी लगी हो तो फिर रिलीज करना पड़ता है, पता नहीं करना पड़ता, ये रिलीज नहीं होता परचेज ऑर्डर। सही। अच्छा सर ये जिस तरह हमने कोई सेल ऑर्डर अभी रन किया ना, हाँ तो एक चीज ऑलरेडी स्टॉक में है, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं कि मैं इसकी पीआर रेस करूं। हाँ तो उसको पीडी पीडी और रिएक्स कर दो तो उसकी जो है वो जनरेट हो जाएगी, उसकी जो है पीआर जनरेट हो जाएगी उसकी। मैं ये वेंडर का देख लूँ। पीडी ईएक्स हाँ जी करो। हाँ और इंडिविजुअल है ना सर, जी हाँ जी पीडी ईएक्स और और अगर इंडिविजुअल मैं चाहता हूं कि नहीं कोई स्टॉक से ले तो फिर PDEX और पीडी कलेक्टिव। पीडी की जगह पैंडी। अच्छा ऐसे नाम दिए हाँ ऐसे थोड़ी तेज कह रहे। अच्छा एमआरपी रन कर रही है या पिछले पूछ रहे हो? हमदा जी सर एमआरपी रन कर रहे हो या सिर्फ पूछ रहे हो अभी? नहीं सर, पूछ रहा हूँ ऐसे। रन कर लूँ? हाँ करके देखो अब मैं कितनी देर में ये वेंटर का देख लूँ ताकि परचेज ऑर्डर लग जाए हमारा। ओके सर।
हमजा हो गई है, क्या कर रहे हो अभी? कर रहा हूँ सर। MD4C से पहले MD50 रन करना लाजमी है सर। MD4C में आएगी कुछ नहीं ना, उसके बगैर चेक कर लो। ओके सर। अच्छा सर, ये मेरे जो रॉ मटेरियल है ना, ये इसने स्टॉक से ले लिए हैं। क्या लगाया था उसको? अच्छा, अभी मैं चेक करता हूँ सर बैकएंड पे इसको क्या लगा हुआ है। मटेरियल की सेटिंग चेक करो। अच्छा, जी सर। कलेक्टिव लगा हुआ है, इंडिविजुअल करता हूँ सर। ठीक है, करके देखो। हाँ, इंडिविजुअल और एनडी कर दूँ ना सर। ईआर जनरेट करनी है कि नहीं करनी? करनी है सर। ईआर जनरेट करनी है तो फिर इसको करो, जो है ना, पीडी करो फिर इसको। पीडी और इंडिविजुअल। पीडी और इंडिविजुअल। सही है सर, ये परचेज पीआर का नंबर दे दिया इसने। सही है फिर।
और सर ये जो लाइमस्टोन है मेरे पास, ये एक मेरे पास रॉ मटेरियल है, इसके आगे ना स्टॉक दे रहा है ना पीआर दे रहा है सर। देख लेते हैं, उसकी चेक करो, उसकी सेटिंग चेक करो और एमआरपी रन करो दोबारा। सेटिंग चेक कर लेते हैं सर, अभी भी चेक कर लेते हैं। बाकी कौन कौन आया सेशन में? आज के बहुत ही रहा यार कोई। मैं वो सभी आया हूँ ऑफिस से। सही है। इसकी सेटिंग में सर पीडी और कलेक्टिव लगाया हुआ है मैंने, लेकिन ना वो स्टॉक बता रहा है और ना वो इंडिविजुअल बता रहा है, ना वो पीआर बता रहा कलेक्टिव लगाया हुआ है? कलेक्टिव जी सर। क्यों लगाया है? कलेक्टिव लगाया और आपके चाहते हो कि इसकी पीआर ना बने? जी सर ना बने पीआर ना बने तो फिर इसको एनडी कर दो ना। हाँ क्या बना? चलो नहीं आ रहा सर। मैं करवाता हूँ। मैं ये पीओ वाला सेटिंग कर रहा हूँ। पीओ कहीं से लिख लग जाए। हमजा, जी सर। ये या ऐसा करो कि सारे बंदे, ये परचेज ऑर्डर लग गया है, ये सारे बंदे ना परचेज ऑर्डर लगाओ। ये मैं रिकॉर्डिंग आपको देता हूँ। परचेज ऑर्डर लगाने के लिए सब ने करना क्या है, जो भी सेल ऑर्डर के थ्रू आप एमआरपी रन करोगे, एमआरपी रन करने के बाद ME5A की रिपोर्ट के अंदर आओ। ये नीचे अपना अपना सेल ऑर्डर दो। ME5A के अंदर सेल ऑर्डर देने के बाद इसको एग्जीक्यूट कर दो।
तो इस आपके प्लांट के ऊपर जितने भी पीआर बनी होगी वो सारी आ जाएंगी उस सेल ऑर्डर से रेफरेंस, अगर सेल ऑर्डर दोगे तो। ठीक है, हमदा सही है। जी सर। अच्छा, फिर ये पीआर देने के बाद फिर ये 557 पीआर नंबर है एंड पे, तो इस पीआर के रेफरेंस आपने लगाना है परचेज ऑर्डर। परचेज ऑर्डर लगाने का तरीका कर गया है आपने, ME21N के अंदर जाना है, और यहाँ पे आपने ये डॉक्यूमेंट ओवरव्यू के अंदर जाके यहाँ पे जाना है आपने सिलेक्शन वेरिड, और सिलेक्शन वेरिड के अंदर आपने जाना है परचेज रेक्विजिशन। परचेज एक्विजिशन के अंदर ये 557 हम ले लेता हूँ, 557 को लेना है आपने, एग्जीक्यूट करना है। और इसको कॉपी क्लिक करके यहाँ पे अडॉप्ट करें, अडॉप्ट करने के बाद ये हेडर के ऊपर क्लिक करो, हेडर पे क्लिक करने के बाद परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन दे दो इसे, और इसको दे दो ये वेंडर, ये ABC टेस्ट आपने वेंडर लेना है, इसकी प्राइस है दो कोई भी डमी सी प्राइस है, इसको सिंपल यहाँ से कर दो सेव। ठीक है, ये जी रिकॉर्डिंग से कर सर। लोगे आप? जी सर। अच्छा, अब देखो अगर ये हमारी जो रिपोर्ट है MD4C वाली, यहाँ पे क्या लिखा आ रहा है, यार इसको करो रिफ्रेश, यहाँ से रिफ्रेश करने पे इस पे का यहाँ पे आ देगा परचेज ऑर्डर नंबर। तो ये सारे बंदे यहाँ पे टेस्ट करो और मुझे बताओ, फिर मैं इतनी देर में थोड़ा मैंने अभी खाना खाना खा लूँ, तो ग्रुप में मुझे कोई इश्यू आया तो व्हाट्सएप के ग्रुप में अंदर मुझे भेज दो, मैं रिकॉर्डिंग आपको अभी शेयर कर देता हूँ। परचेज ऑर्डर सारे बंदे ओके आके जो है इसको देख लें। ठीक है, सर। ओके सर। ओके, फिर आपका मुराद, आपका कोई क्वेश्चन है?